के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राम ज्योति लाने के लिए मुस्लिम महिलाएं अयोध्या रवाना। सुभाष भवन से निकली रामपंथ की राम ज्योति यात्रा। जनपद में ग्राम स्तर पर हुई हेलो डॉक्टर दीदी कार्यक्रम की शुरुआत। पिंडरा सेवापुरी चोलापुर व हरौआ में आयोजित हुए जन जागरूकता कार्यक्रम। काशी के कसेरा परिवार द्वारा निर्मित सहस्त्र कलश से होगा रामलला का अभिषेक। और वरिष्ठ भाजपा नेता संजय गुप्ता ने 200 असहाय व जरूरतमंदों में कंबल का किया वितरण। और अब खबरें विस्तार से। राम ज्योति लाने के लिए मुस्लिम महिलाएं अयोध्या रवाना हुई। सुभाष भवन से रामपंथ की राम ज्योति यात्रा अयोध्या के लिए रवाना हुई। 1528 ईस्वी में मुगल हमलावर बाबर द्वारा विध्वंस किए गए श्री राम जन्मभूमि के मंदिर को फिर से बनने और रामलला के विराजमान होने का सपना सभी भारतीयों ने देखा था। उसी में से एक नाज़नीन अंसारी भी थी। नाज़नीन अंसारी पिछले 17 वर्षों से राम भक्ति करती चली आ रही है। रामनवमी पर विशेष कार्यक्रम आयोजित करती है जिसमें सैकड़ों मुस्लिम महिलाएं शामिल होती है। नाज़नीन जब वर्ष 2014 में अयोध्या गई थी तो उन्होंने सरयू में स्नान करके हनुमान गढ़ी और श्री राम जन्मभूमि का दर्शन किया था। तब उन्होंने रामलला को टेंट में देखकर बहुत आहत हुई थी। अयोध्या से लौटने के बाद उन्होंने श्री राम मंदिर निर्माण के समर्थन के लिए देश भर के मुसलमानों से बात की। हजारों की संख्या में मुस्लिम महिलाओं ने नाज़नीन के कहने पर राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा भी दिया। आज सभी भारतीयों का सपना पूरा हो रहा है। रामपंथ से जुड़कर मुस्लिम महिला फाउंडेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष नाज़नीन अंसारी और विशाल भारत संस्थान की राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष डॉक्टर नजमा परवीन राम परिवार भक्ति आंदोलन चला रही है ताकि परिवार और समाज को बचाया जा सके। दोनों सामाजिक कार्यकर्ता और राम सेतु अभियान के माध्यम से हिंदू और मुसलमानों के दिलों को जोड़ने का प्रयास कर रही हैं। नाज़नीन अंसारी और डॉक्टर नजमा परवीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद कि सभी लोग 22 जनवरी को राम ज्योति जलाएं तो अयोध्या से राम ज्योति लाने का फैसला किया। इसके लिए रामपंथ की ओर से राम ज्योति यात्रा का आयोजन किया गया। राम ज्योति यात्रा लम्हे के सुभाष भवन से अयोध्या के लिए निकली। यात्रा के मुख्य अतिथि पातालपुरी मठ के पीठाधीश्वर महंत बालकदास महाराज हरी झंडी दिखाकर इसको रवाना किए। यात्रा दल में नाज़नीन अंसारी, डॉक्टर नजमा परवीन, ताजीम भारतवंशी, रोजा भारतवंशी, अफरोज खान शामिल है। नाज़नीन अंसारी के नेतृत्व में निकली राम ज्योति यात्रा जौनपुर अकबरपुर होते हुए अयोध्या पहुंचेगी, जहां साकेत भूषण श्री राम मंदिर के पीठाधीश्वर महंत शंभू देवाचार्य राम ज्योति सौंपेंगे। श्री राम मंदिर और हनुमान गढ़ी में दर्शन के बाद नाज़नीन अंसारी राम ज्योति लेकर रविवार को वापस सुभाष भवन पहुंचेंगी, जहां पूर्वांचल के सैकड़ों मुसलमान उनके स्वागत के लिए जुटेंगे। राम ज्योति यात्रा की अगवानी विशाल भारत संस्थान के जौनपुर जिला चेयरमैन नौशाद अहमद दुबे ने चंद वक्त किया। यात्रा का स्वागत जगह जगह पर किया गया और मुसलमानों ने जय सियाराम के नारे भी लगाए। इस अवसर पर मुस्लिम महिला फाउंडेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष नाज़नीन अंसारी ने कहा कि भगवान श्री राम सबके पूर्वज है। 500 सालों बाद उनका मंदिर बन रहा है तो हम सबको खुशी है और हम खुलकर खुशी जाहिर करेंगे। नफरत के अंधकार ने हमारे पूर्वजों का चेहरा ढंक दिया था, अब राम ज्योति में सबका चेहरा साफ दिख रहा है कि हम भारतीय भूखंड के रहने वाले हैं और हमारे पूर्वज भगवान श्री राम है। धर्म बदल सकते हैं लेकिन अपनी संस्कृति, अपनी परंपराएं, अपने पूर्वज कभी नहीं बदल सकते। हिंसा, नफरत और आतंकवाद पर राम ज्योति भारी है। आज भारतीयों की खुशी में हर मुसलमान को शामिल होना चाहिए। बाबर हिंदुस्तान का दुश्मन था और दुश्मनों से हमारी रिश्तेदारी नहीं हो सकती। दुनिया के देश यदि भगवान राम के रास्ते पर चले तो शांति और मानवीय संवेदना के साथ त्याग की भावना उनके देश में आएगी और विश्व शांति की ओर बढ़ेगा। सौभाग्य है कि शिव की नगरी से निकल करके हम राम की नगरी में जा रहे हैं और आज हम लोग यहाँ से जो यात्रा कर रहे हैं वो यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण है और अपने आप में एक सौहार्द भरने वाली है और साथ ही साथ हमको भी बहुत खुशी है इस यात्रा की, क्योंकि आज हम लोग यहाँ से राम ज्योति यात्रा लेकर के जा रहे हैं और कल प्रभु श्री राम के घर से राम ज्योति लेकर के आएंगे और प्रत्येक मुसलमान भाइयों के घर में भी उस ज्योति को देंगे। इसके पीछे का यही उद्देश्य है कि हमारे आपसी भाईचारे को बनाए रखने के लिए हम लोग ये यात्रा निकाल रहे हैं और साथ ही साथ ये भी कहना चाहते हैं कि प्रभु श्री राम हम सबके हैं,
क्योंकि उन्होंने किसी को भी जाति धर्म के उस पर नहीं बांधा, और हम लोग जो भी हैं भारत का जो भी मुसलमान है सब प्रभु श्री राम के ही वंशज हैं और प्रभु श्री राम हमारे पूर्वज हैं। आज हम लोग राम ज्योति यात्रा लेकर के जा रहे हैं और हमें बहुत खुशी है कि हमारे पूर्वजों का मंदिर बन रहा है और राम ज्योति वहाँ से लेकर के आएंगे। यहाँ पर घर घर में राम ज्योति जलाई जाएगी और हम लोग जो नफ़रत रूपी अंधकार फैला हुआ है समाज में, लोगों के दिलों में नफ़रत फैली हुई है, उस नफ़रत रूपी अंधकार को राम ज्योति से प्रकाशित करेंगे, उस नफ़रत रूपी अंधकार को मिटाएंगे। जनपद में ग्राम स्तर पर हेलो डॉक्टर दीदी कार्यक्रम की शुरुआत हुई। पिंडरा सेवापुरी चोलापुर व हरवा में जन जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत हुई। जनपद में शनिवार को ग्राम स्तर पर भी हेलो डॉक्टर दीदी कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस क्रम में आदर्श ब्लॉक सेवापुरी पिंडरा हरवा और चोलापुर के विभिन्न ग्राम सभाओं में जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रदेश सरकार व बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग के संयुक्त प्रयास तथा हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड द पावर ऑफ न्यूट्रिशन एंड कारगिल के सहयोग व ग्रुप एम के माध्यम से वाराणसी में इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। हेलो डॉक्टर दीदी की टीम की ओर से शनिवार को सेवापुरी के चित्रसेनपुर व चतेरी पिंडरा के घुघरी व मुर्दी हरवा के अहिरौली व काकलपुर एवं चोलापुर के धरसोना व देवपुर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके अलावा पिंडरा के देवराई व सराय सेवापुरी के रघुनाथपुर व भरहरिया हरहुआ के रामगांव व तेवर तथा चोलापुर के मंगोलपुर व महादा में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें नुक्कड़ नाटक के माध्यम से समुदाय को पोषण और स्वच्छता के बारे में बताया गया, साथ ही प्रश्न उत्तर के माध्यम से तीन विजेताओं को उपहार भी दिया गया। इसी तरह के जन जागरूकता कार्यक्रम जनवरी व फरवरी माह में चारों ब्लॉक के चिन्हित गांव में आयोजित किए जाएंगे। हेलो डॉक्टर दीदी की टीम पहले नुक्कड़ नाटक के माध्यम से सबको जागरूक करेगी, उसके बाद टीम के सदस्य उन गांवों के सभी लाभार्थियों तक पहुंचकर विस्तृत चर्चा और खेल के माध्यम से स्वास्थ्य और पोषण के बारे में बताएंगे। साथ ही नंबर 07878781003 पर मिस कॉल प्रोफाइल कॉल करवाई जाएगी, जिससे निरंतर 15 सप्ताह तक कॉल मैसेज के माध्यम से लाभार्थी को कॉल आते रहेंगे। टीम में ब्लॉक हरहुआ के रामगांव के ग्राम प्रधान मनीष कुमार, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता राधा देवी, सत्ता देवी, पार्वती देवी, सेवर की ग्राम प्रधान शशिकला, जड़ावती देवी, रीता देवी शामिल रही। सेवापुरी के रघुनाथपुर की आंगनबाड़ी कार्यक्रम शर्मिला देवी, जागनी देवी, आशा उर्मिला देवी, ग्राम भरदहिया से आंगनबाड़ी सर्विस देवी मधु सिंह, आशा उषा देवी, गीता देवी शामिल रही। पिंडरा के देवराई से आंगनबाड़ी आशा पाल प्रेमलता, ग्राम सराय से आंगनबाड़ी बदामा देवी माया श्रीवास्तव शामिल रही। चोलापुर के मंगोलेपुर से ग्राम प्रधान सुनील कुमार, आंगनबाड़ी गीता देवी, ग्राम महादा से आंगनबाड़ी उषा सिंह शामिल रही। इस अवसर पर ग्राम प्रधान मनीष कुमार ने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से गर्भवती महिलाओं व 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की माताओं के बीच पोषण, स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए अनुकूल वातावरण मिलेगा। ग्राम प्रधान शशिकला ने कहा कि नंबर पर मिस कॉल देकर लक्षित लाभार्थियों को हेलो डॉक्टर दीदी कार्यक्रम में पंजीकृत करना जरूरी होगा, जिसके बाद उन्हें पोषण, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता विषय पर जानकारी मिलती रहेगी। आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में काशी के कसेरा परिवार द्वारा बनाए गए सहस्त्र कलश का प्रयोग किया जाएगा। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को अभिजीत मुहूर्त में काशी के एक प्रकांड विद्वान संपन्न कराएंगे। इसके लिए वहां काशी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य यजमान की भूमिका में होंगे। प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही साथ काशी और अयोध्या का रिश्ता और प्रगाढ़ होता जा रहा है। इसी क्रम में अब शहर के काशीपुरा इलाके का एक कसेरा परिवार दिन रात मेहनत कर रामलला के अभिषेक के लिए सहस्त्र कलश और रामलला के मंदिर में अनुष्ठान के लिए 125 कमंडल आश्वनी पात्र और एक कटोरे जैसा पात्र बना रहा है। यह सभी पात्र लगभग बनकर तैयार हो चुके हैं और बफिन के लिए भेजे गए हैं। इन सभी को जर्मन सिल्वर से बनाया गया है। वाराणसी के काशीपुरा निवासी लालू कसेरा ने बताया कि 20 दिसंबर 2023 को हमें एक ऑर्डर मिला है। यह अयोध्या का ऑर्डर था जिसे हमने सहर्ष स्वीकार किया और उसे बनाने में दिन रात लग गए। उन्होंने बताया कि हमें अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के लिए 125 कमंडल आश्मनी पात्र और एक कटोरे जैसा पात्र बनाना है। इसके साथ ही साथ एक अभिषेक कलश भी बनाकर तैयार करना था जिसे सहस्त्र कलश कहते हैं। इस सहस्त्र कलश में 1008 छिद्र होते हैं। इसी सहस्त्र कलश से प्राण प्रतिष्ठा के बाद श्री राम का अभिषेक किया जाएगा। लालू ने बताया कि यह उनकी 5वीं पीढ़ी है जो इस काम में लगी हुई है। लालू ने बताया कि जब से
हमें यह ऑर्डर मिला है तब से ही घर में उत्सव का माहौल है। परिवार का हर एक सदस्य इस काम से जुड़कर कार्य पूरा करवाने में लगा हुआ है। सहस्त्र कलश बनाकर तैयार हो गया है और उसे चेक कर लिया गया है। इसमें 1008 छिद्र किए गए हैं जिससे होकर जल रामलला के ऊपर गिरेगा और उनका अभिषेक होगा। इसके अलावा कुछ बर्तन तैयार होकर पॉलिश के लिए भेजे गए हैं। सभी को बनाकर एक साथ 10 जनवरी को अयोध्या भेजा जाएगा। इन बर्तनों का पूजा में बहुत मान है, इन्हें तैयार करना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मैंने 25 दिसंबर और ये अभिषेक का कलश है, ये ठाकुर जी के स्नान के लिए है। रामलला जी इसी से अभिषेक करेंगे रामलला जी का, और इसमें 1008 छेदा है जिससे कि अभिषेक में बोलने में ब्राह्मण को सुविधा होती है, और इसी से अभिषेक होगा रामलला जी का। ये वाइट मेटल जीएस का है, सिल्वर वाइट मेटल सिल्वर है, जर्मन सिल्वर बोलते हैं इसको, और ये लागत इसकी 6000 रुपये पड़ेगी। ज्ञानवापी प्रकरण में एएसआई की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने पर फैसला अब 24 जनवरी को आएगा। ज्ञानवापी प्रकरण में जिला अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में इसी द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट को सार्वजनिक करने न करने पर फैसला आगामी 24 जनवरी को होगा। जिला अदालत में एएसआई ने इस बात का तर्क दिया है कि क्योंकि उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में एएसआई को रिपोर्ट वाराणसी के सिविल जज सीनियर फास्ट ट्रैक कोर्ट की अदालत में भी 19 जनवरी को जमा करना है। ऐसे में अगर इस रिपोर्ट को समय पूर्व सार्वजनिक किया जाता है तो इससे आम जनमानस में अफवाह और भ्रांतियां फैलने की संभावना है, इसलिए अदालत ने 24 जनवरी की तारीख इसके लिए मुकर्रर की है। आज ज्ञानवापी प्रकरण में सभी पक्षों को एएसआई से सर्वे से संबंधित उसकी कॉपी उपलब्ध होनी थी और पक्षकार सभी यहाँ पे उपलब्ध थे, हम अधिवक्ता गण थे, परंतु जनपद न्यायाधीश ने इस विषय पर 24 जनवरी की तिथि मुकर्रर की है, तो अगली तिथि पर आकर इस पर हम भी विचारण अवश्य करेंगे। सभी पक्षों को उसी दिन यह कॉपी उपलब्ध होगी। वरिष्ठ भाजपा नेता संजय गुप्ता ने 200 असहाय व जरूरतमंदों में कंबल वितरण किया। लगातार 3-4 दिनों से जारी बारिश और ठंड को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी काशी क्षेत्र के आर्थिक प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय संयोजक संजय गुप्ता द्वारा शनिवार को मौलवीबाग स्थित अपने आवास पर करीब 200 गरीब असहाय और जरूरतमंद लोगों में कंबल का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा आर्थिक प्रकोष्ठ के प्रदेश प्रभारी ओम प्रकाश जी थे। विशेष अतिथि भारतीय जनता पार्टी शिक्षक प्रकोष्ठ के संयोजक कमलेश झा थे। कंबल वितरण कार्यक्रम का संचालन क्षेत्रीय पार्षद सिंधु सोनकर ने किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने अपने उद्बोधन में संजय गुप्ता के सामाजिक कार्य की जमकर प्रशंसा की और कहा कि ठंड के सीजन में असहाय लोगों में कंबल व गर्म कपड़ों का वितरण एक पुण्य का काम होता है जिसे भाई संजय गुप्ता पिछले कई वर्षों से करते चले आ रहे हैं, जिसके लिए उनकी जितनी प्रशंसा की जाए वह कम है। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष अखिलेश वर्मा, गोपाल जी सेक्टर संयोजक आकाशी महानगर, महामंत्री आत्मविश्वास जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष अद्दू जी सहित भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं कार्यकर्ता उपस्थित थे। आए हुए अतिथियों का स्वागत भारतीय जनता पार्टी काशी क्षेत्र के आर्थिक प्रकोष्ठ के संयोजक संजय गुप्ता ने किया। वर्ष की भांति इस वर्ष भी ठंड को देखते हुए ये मौलवीबाग अपार्टमेंट की तरफ से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कंबल वितरण का कार्यक्रम है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सच के साथ क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसा जीवन होगा आपका, होगी हर मुश्किल आसान, है हर परेशानी का निदान। आप बने रहिए हमारे साथ और हम बताएंगे आपके भविष्य का हाल। प्रत्येक मंगलवार रात्रि 8:30 से सिर्फ सीटी वाराणसी लाइव पर। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। आने वाले पर्व मकर संक्रांति पर इस बार पतंग का बाजार बारिश की वजह से बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। जनवरी के माह में कभी बम बम रहने वाला काशी का पतंग बाजार अभी तक अपने सुसप्ता अवस्था में है। इसके लिए कोई बिन मौसम के लगातार हो रहे बारिश को जिम्मेदार मान रहा है, तो कोई इसके लिए युवाओं में मोबाइल के बढ़ते क्रेज को जिम्मेदार मान रहा है। वाराणसी में पतंग का व्यापार करने वाले बाबू ने बताया कि पतंग का कारोबार वर्षों से करते आ रहे हैं, लेकिन इनके अनुसार अब इस कारोबार में नरमी आ गई है क्योंकि पतंग की जगह युवाओं की पहली पसंद अब मोबाइल बनती जा रही है। उन्होंने बताया कि एक पतंग बनाने में 10 लोग लगते हैं, तब जाकर पतंग तैयार होती है।
काशी के पतंग बाजार में इस वर्ष हमारे यहाँ से तावा पतंग सबसे बड़ी बनाई गई है, जिसकी लागत 12 रुपए है। वहीं चाइनीज मांझे पर उन्होंने कहा कि अब लोग समझदार हुए हैं, पहले अगर 100 दुकानें लगती थी तो अब सिर्फ 10 लगती हैं, वो भी अंदर कहीं। 90 लोग वापस से बरेली का मांझा यूज कर रहे हैं। वहीं पतंग खरीदने आए गोपाल कृष्ण जायसवाल ने बताया कि वर्षों से यहां से पतंग खरीदने आ रहे हैं, चाइनीज मांझे को उन्होंने भी गलत बताया और कहा कि अब युवा भी इससे किनारा करें क्योंकि ये उनकी उंगली खराब कर दे रही है। पतंग का कारोबार तो समझ लीजिए चल ही रहा है, गरीबी से जुड़े हुए हैं, जुड़े काम अपना कर रहे हैं, बाकी क्रेज धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ये मोबाइल जब से आ गई है उसके वजह से क्रेज पतंग का कम होता। ये शहर के बच्चे मोहल्ले वोले के आते हैं और कहाँ से देखा जाए तो जो डीएम साहब ने अभी चाइना मंजा पे जो प्रतिबंध लगाया है उससे कितने आप लोग खुश हैं? और बहुत खुश हैं, एकदम बहुत ज्यादा खुश हैं हम लोग। हाँ, हम लोग बरेली वाला धागे वाला देखते हैं धागे का। बच्चों में तो जान रहे हैं कि बच्चों में बहुत होड़ लगता है पतंग के लिए। अमूमन समय पर अगर ना आए तो पतंग मिलता नहीं है, जो बच्चों को पसंद है वो पतंग नहीं मिलता है, तो हम थोड़ा सा पहले आ गए हैं लेने के लिए। देखा जाए तो जो चाइना मंजा पे प्रतिबंध लगाया उससे कितनी जनता खुश है और खरीदार और व्यापारी? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, वो तो बहुत अच्छा है बंद हो गया, क्योंकि बच्चे भी अब धीरे धीरे बरेली वाला मंजा को यूज करना शुरू कर दिए हैं और उनको पसंद भी आ रहा है, क्योंकि उससे उनका भी हाथ कटता था खींचने में, उनका भी हाथ कटता था, जिसके वजह से वो उसको अब बायकॉट कर रहे हैं। अपने विभिन्न मांगों को लेकर उत्तर प्रदेशीय चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ की बैठक हुई। उत्तर प्रदेश चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी महासंघ जनपद शाखा वाराणसी की अति आवश्यक विस्तारित बैठक महासंघ कार्यालय लोक निर्माण विभाग परिसर वरुणा पुल नदेसर में रामचंद गुप्ता जिलाध्यक्ष की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। बैठक का संचालन ब्रिजेश यादव जिला मंत्री ने किया। इस अवसर पर उमेश बहादुर सिंह मंडल अध्यक्ष, सत्येंद्र सिंह मंडल मंत्री उपस्थित रहे। बैठक में मुख्य रूप से 4 बिंदुओं पर चर्चा हुई, जिसमें जिलाध्यक्ष रामचंद्र गुप्ता ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि सभी विभागों के चतुर्थ श्रेणी समूह घ कर्मचारियों की सीधी भर्ती की जाए, भर्ती पर लगा प्रतिबंध हटाया जाए तथा रिक्त स्वीकृत पदों पर एक अभियान चलाकर भर्तियां की जाए और चतुर्थ श्रेणी के वेतनमान में व्याप्त विसंगति दूर की जाए। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी चपरासी का नाम परिवर्तित करते हुए कार्यालय सहायक पदनाम किया जाए। इसके साथ ही समस्त विभागों में दैनिक वेतन वर्ग 4 से नियमित किए गए कर्मचारियों को पूर्व में की गई सेवाओं को जोड़कर करते हुए पेंशन, ग्रेजुएटी तथा वेतन संरक्षण आदि का लाभ प्रदान किया जाए। इस बैठक में सभी विभागों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। चतुर्थ श्रेणी की भर्ती सरकार द्वारा कई वर्षों से बंद है, काफी लोग बेरोजगारी में पड़े हुए हैं, हर विभाग में काम हो नहीं पा रहा है और सरकार को खुश होना चाहिए कि से कम रोजी रोटी कर्मचारियों को दे, जो नए बच्चे निकल रहे हैं कम से कम चतुर्थ श्रेणी की भर्ती हो जाए, जो सरकार की जितनी योजना है उसका काम भी ठीक सही से रूप से चल सके। और दूसरी बात है, हम लोग काफ़ी दिनों से चतुर्थ श्रेणी की भर्ती के लिए लड़ रहे हैं। और दूसरी बात है, जो चतुर्थ श्रेणी की चपरासी पद है उसको कार्यालय सहायक के रूप में इसको कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा, कि हर लोग का एक सम्मान होता है। चपरासी पद बहुत पुराना रह गया, अब चपरासी पद से आदमी घिरा की निगाहों से दिखता है। चौक थाने के पशुपतेश्वर क्षेत्र में 3 मंजिला जर्जर भवन के नीचे स्थित दुकान में आग लग गई। सूचना पाकर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। काशी से आग की एक घटना सामने आई है, जहां चौक थाने के पशुपतेश्वर मोहल्ले में 3 मंजिला जर्जर भवन के नीचे स्थित 2 दुकान में आग लग गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। वहीं मौके पर पहुंची फायर सर्विस दल ने आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि चौक थाने के पास स्थित एक मकान के दुकान में चिंगारी की वजह से आग लग गई। धुआं देखकर आसपास के लोग व भवन स्वामी ने इसकी सूचना पुलिस को दी और खुद आग बुझाने में लग गए। वहीं तत्काल मौके पर दशाश्वमेध ACP अवधेश कुमार पांडे व चौक थाना प्रभारी पहुंचे, साथ ही फायर सर्विस दल पहुंचकर आधे घंटे में आग पर काबू पा लिए। फिलहाल जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। भवन स्वामी मनीष नंदन मिश्र ने बताया कि कोई भवन के बाहर आग ताप रहा था, फिर लोग चले गए, उसी आग की चिंगारी अंदर पहुंची, उसी से आग लग गई। ऐसा है कि बाहर जो है दीपावली के समय कोई गद्दे पुराने किसी ने फेंक दिए थे गद्दीदारों ने, तो राग में लगता है कि आग तापने वश जो है किसी व्यक्तियों ने जो यहां पे आग तापने के लिए आग जलाया है, उसी से कुछ चिंगारी छटक के अंदर जो है चली गई मकान के अंदर। उस मकान में कोई नहीं रहता है, मकान खाली है जी, पुराना मकान है। हाँ, विवादित मुकदमा चल रहा है,
कब्जा मेरे पास है, बाइकोट मैं मालिक हूँ। जी सूचना दी गई है, प्रशासन आई है और हम लोग सब लग के जो है इस आग को बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये वही आग तापने के कारण जो है आग लगी है। बारिश हो, सर्दी हो या गर्मी, काशी में आए आस्थावानों की श्रद्धा अपने चरम पर होती है। यही नजारा था माँ गंगा की विश्व प्रसिद्ध आरती में, जिसमें भीगते हुए श्रद्धालु गंगा आरती में शामिल हुए। पिछले 3-4 दिनों से मौसम खराब है। कड़ाके की ठंड के बीच रुक रुक कर हो रही बारिश के चलते जनजीवन बेहाल हो गया है। इसके बावजूद सैलानियों का उत्साह कम नहीं हो रहा। शुक्रवार की शाम बारिश के दौरान भी दशाश्वमेध घाट की गंगा आरती में श्रद्धालुओं की भीड़ रही। माँ गंगा की भव्य आरती देखकर सैलानी अभिभूत नजर आए। सोनीपत हरियाणा से आई कुमुद ने कहा कि पहली बार बनारस आई हूँ, खुद को किस्मत वाली मानती हूँ कि मैं गंगा आरती के समय यहाँ थी, मुझे प्रसाद भी मिला और बारिश का भी प्रसाद मिला। कहा कि मैं गंगा मैया की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे बुलाया और मैं गंगा आरती देख सकी। बारिश प्रकृति की देन है, यह गंगा माँ का आशीर्वाद था कि हमने बारिश में आरती का आनंद लिया। गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष ने कहा कि लाखों की संख्या में पर्यटक गंगा आरती देखने आते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, आंधी तूफान बाढ़ में भी आरती जारी रहती है। आंधी तूफान बारिश का कोई असर श्रद्धालुओं पर नहीं दिखता है। रोजाना हजारों की संख्या में पर्यटक आते हैं, बाबा विश्वनाथ व माँ गंगा की कृपा से यह संभव हो पाता है। और मैं पहली बार बनारस आई हूँ और मैं किस्मत खुद को किस्मत वाली मानती हूँ कि मैं गंगा आरती के टाइम यहाँ पर थी, मुझे प्रसाद भी मिला, बारिश का प्रसाद भी मिला। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ गंगा मैया का कि उन्होंने मुझे बुलाया और मुझे ये मौका दिया कि मैं उनकी आरती देख सकूं। खराब होने की वजह से काफी बारिश हो रही थी, लेकिन उसमें भी हजारों की संख्या में पूरा दशाश्वमेध घाट, राजेंद्र प्रसाद घाट और लगभग बीजगंगा तक नाव जो है उस पर सब जो श्रद्धालु हैं, दर्शनार्थी हैं, उन लोग इसी मौसम में जो आरती का आनंद उठा रहे थे। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत, नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।